हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं श्रेयस बर्ड्स हाउस में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी के बर्ड्स और टॉय, ब्रीडिंग बॉक्स, फीडर एंड बर्ड एक्सेसरीज काफ़ी मिल जाएंगी। यहाँ पे सारी वैरायटी की मिल जाएंगी, फिश फूड, डॉग फूड सब मिल जाएगा। और ये बर्ड का दाना है हर किस्म का, ये सैंपल के लिए रखा है यहाँ पे। और ये फिश फूड वगैरह सारा मिल जाएगा, ये झूले मिल जाएंगे आपको, कटल बोन मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी बर्ड रिलेटेड। और ये देखिए, ये झूले देखिए, टॉयज देखिए, ये ब्रीडिंग बॉक्स है, सारे के सारे फुल स्टॉक होता है इनके पास अवेलेबल। ये इतवारी में है नागपुर में। इनका एक बर्ड सेटअप भी है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सेटअप वैसे संजू भैया का है जो कि नागपुर से है, काफ़ी पुराना सेटअप है इनका और 40-50 साल से शौक है इनका। तो आज पूरा सेटअप दिखाएंगे आपको, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहे। तो हम श्रेयस भाई से बात करते हैं। हेलो श्रेयस भाई। हेलो। तो आपके पास अभी कौन कौन से वेरायटी के बर्ड्स है? अभी कनूर है, ओके, सादे कनूर, अच्छा, और ये सादे लवबर्ड है, लवबर्ड है और होग्रोमो बज्जीज है। हाँ, तो पूरे के पूरे दिखाते हैं अभी हम आपको एक एक करके। तो ये अल्बिना होग्रोमो का पेयर है, ये फीमेल अंदर है, मेल बाहर है, शायद अंडे दिए इसने। इसके बाद ये भी क्रीमिश कलर में है, ये भी मेल बाहर है और फीमेल अंदर है, इसके भी शायद अंडे हैं। तो इनका देखते हैं अभी, ये नेक्स्ट पेयर है, अंडे दिए, इन्होंने अंडे दिए हैं, फीमेल है अंदर, ये भी होग्रोमो ही है, ब्लू कलर, ट्रायंगल में होग्रोमो है ये। और ये नेक्स्ट शो बज रही है, ये साइज देखिए, काफ़ी यूज साइज की है ये, फीमेल अंदर है इसकी, काफ़ी बड़ी साइज की है, नॉर्मल बजरी से डबल है ये, इसकी फीमेल अंदर है। तो इसकी फीमेल दिखा रहे हैं अभी, ये देखिए बच्चे भी है इनके अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम इनको। तो यहाँ पे भी होग्रोमो ही है, ये स्प्रैंगल में है, इसके बच्चे हैं, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसकी, अंडे है, इनके अंडे हैं अभी। तो इनके अंडे हैं अभी, काफ़ी खूबसूरत पेयर है ये स्प्रैंगल का। तो इसमें शादी बज रही है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या रिजल्ट है अभी। इसके अंदर भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके अंदर। तो ये कनूर का एक पेयर है, ये पाइनएप्पल का और सिनेमन का पेयर है, ये पाइनएप्पल सिनेमन का पेयर है, ये एक जगह रुक नहीं पा रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर है, रेड फैक्टर में है पाइनएप्पल। और देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये तीन पीस है, ये बेबीज है ना, ये बेबीज है तीनों के तीनों, येलो साइडेड के बेबीज है ये तीनों। तो यहाँ पे डायमंड डव का पेयर है एक, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। इन्होंने अंडे दिए हैं शायद ऊपर, तो और ये नेक्स्ट पेयर है जो अंडे पे बैठा है अभी, और ये बच्चा है उनका। ये और एक कनूर का पेयर है, ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल है ना, ये पाइनएप्पल है और एक सिनेमन है, ये दोनों का पेयर लगा हुआ है। इनकी ब्रीड आ चुकी है कि आने की है? हो गई है, हो गई है ब्रीड।
पहले बच्चे निकल चुके हैं इनके, अभी नेक्स्ट टाइम होंगे। और यहाँ पे ब्लू ग्रीन चिक का पेयर है पूरा, ये देखिए डार्क फैक्टर में है ये, इनको भी बॉक्स लगा दिया है अभी। और ये एक कॉकटेल का पेयर है, ब्लैक कॉकटेल में मेल है और लुटिनो में फीमेल है, ये ब्रीडिंग के लिए लगाया हुआ है अभी। और नेक्स्ट पेयर भी सेम ही है, इनको मटकी लगाई है और एक फीमेल एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और ये कॉकटेल की पूरी कॉलोनी है, इसमें 5-6 पेयर है, सब अलग अलग कलर्स के। ये देखिए पाइट में काफी ब्यूटीफुल है, पाइट में ये फॉन कलर में। तो इनका ये रोजेला का पेयर है, गोल्डन मेंटल रोजेला का, ये मेल है जो बाहर बैठा है। और ये ब्रीडर पेयर है, काफ़ी बार ब्रीड हो चुका है ये, मैंने इनके बच्चे काफ़ी बार देख चुका हूँ। और इसकी जो फीमेल है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो बॉक्स के अंदर बैठी है, अंडे पे है वो अभी। तो ये देखिए ये गोल्डन मेंटल का मेल, तो ये देखिए ऐसी पूरी मटकियाँ लगी हुई है पूरी चारों तरफ, और पूरे बज्जिस को ओपन छोड़ दिया है, ओपन अवरी जैसा। और काफ़ी अच्छा ब्रीड हो रहा है इनका। सारी मिक्स वेराइटी है यहाँ पे, पूरे ओपन है यहाँ पे, वगैरह भी लगाए हैं खेलने के लिए। तो अभी मैं आपको अफ्रीकन लोबर्ट दिखा रहा हूँ। तो ये अफ्रीकन का सेक्शन है, यहाँ टोटल अफ्रीकन है। देखिए लुटिनो है, ब्लू मास्क है, ब्लू है, ब्लू फिशरी है, ग्रीन फिशरी है, ब्लैक मास्क है, पर ब्लू भी है यहाँ पे, येलो फिशर भी है। इनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी अच्छा ब्रीड होता है इनका, बहुत पुराने ब्रीडर है ये। इनका सेटअप देखिए बाहर से पूरा, काफ़ी पेड़ वगैरह लगाए हैं, तो बर्ड को भी हरियाली काफ़ी पसंद होती है, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया है इन्होंने बर्ड्स को। ये एक नॉन रिंग की कॉलोनी है, नॉन रिंग अफ्रीकन लो बर्ड्स की, तो इसमें भी काफ़ी वेराइटी है, सब मटके के अंदर है। तो ये देखिए वायलेट ऑफलाइन है, एक्वा ऑफलाइन भी है, तो वेराइटी काफ़ी इसमें, बर्ड सब मटके के अंदर है। इधर देखिए ये वायलेट ऑफलाइन। तो फाइनली ये कुछ बज्जी से सेल के लिए, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर स्क्रीन पे दे दिया है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। अभी काफ़ी वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आपको काफ़ी वीडियो मिलेगी अभी आगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।